राजा कहे जाने वाले मगरमच्छ को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसे पैदा होते देखा है? नहीं ना? तो आइए हम आपको दिखाते हैं वॉइस ऑफ एमपी की खास रिपोर्ट में मगरमच्छ के अंडों से पैदा होने की लाइव तस्वीरें। नीमच की अर्किया खाल स्थित जाजू सागर बांध से लगी वन अनुसंधान केंद्र की नर्सरी में उस वक्त अचानक सनसनी फैल गई जब यहां काम करने वाले मजदूरों ने मगरमच्छ के एक दो नहीं बल्कि 23 अंडों को नर्सरी में देखा। बस फिर क्या था, बात आग की तरह फैली और देखते ही देखते वन विभाग के अमले के साथ देखने वालों का हुजूम नर्सरी जा पहुंचा। हैरत तो तब हुई जब इन अंडों से एक के बाद एक 13 मगरमच्छ के बच्चे बाहर निकलने लगे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए और सिर्फ यही कहते रहे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हरकिया खाल नर्सरी में मगर के अंडे हैं। मैं तुरंत पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा कि एक बेड के अंदर मिट्टी से करीब 6 इंच 7 इंच नीचे अंडे दिए हुए थे और उनमें से बच्चे निकल रहे थे। जब तक मैं पहुंचा तब तक 3 अंडों में से बच्चे निकल चुके थे। और वास्तव में देखा जाए तो ये मेरे लिए तो कम से कम एक बहुत रेयर अनुभव है, क्योंकि मैंने 35 साल के अपने सर्विस काल में पहली बार ये चीज देखी कि कहीं पे भी ये मगर के अंडे मिले हों, और वो भी मैं नेचुरल कोर्स में, जहां पर कि इस तरह का कोई भी प्री प्लान्ड में कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने से यहाँ पर मतलब जनवरी से मेरी यहाँ पर पोस्टिंग है हरकिया नर्सरी, और मैं रोज सवेरे शाम कोशिश करता हूँ मुझे मगरमच्छ दिखे, लेकिन आज तक मुझे मगरमच्छ नहीं दिखा। और आज मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि मेरी नर्सरी में वो भी 23 अंडे मगरमच्छ के निकलना और उसमें से फिर बच्चे निकलना, 10 बच्चे मेरे सामने निकले। मैंने मतलब अंडों को लिया था हाथ में, छोटे बच्चों को हाथ में लिया, तो एक बहुत अद्भुत, मेरे लिए बहुत अद्भुत बात। जाजू सागर बांध में 300 से 400 मगरमच्छ होंगे, लेकिन यह पहली घटना थी जबकि मगरमच्छों को अंडों से निकलते देखा गया, जिन्हें वन विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से नर्सरी से निकालकर जाजू सागर बांध में छोड़ दिया। मगरमच्छों के पैदा होने का यह दृश्य स्थानीय लोगों को सालों साल याद रहेगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें सालों में कभी किसी एक को देखने को मिलती है। कैमरामैन विशाल नाथावत के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुजर की रिपोर्ट।